अभी लास्ट वाले उसमें हमने क्या किया था लेक्चर में, हम लोगों ने कर लिया बैटिंग एफिशिएंसी, फिर हम लोगों ने कर लिया पैकिंग एफिशिएंसी में 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, ठीक है। फिर हमने किया कि जब भी हम पैकिंग एफिशिएंसी करते हैं तो उसमें कुछ खाली स्पेसेस रह जाती हैं, उन खाली स्पेसेस को हम लाते हैं वॉइड्स। दो तरह के वॉइड्स होते हैं, वन विच इज नोन एज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और दूसरे दे आर नोन एज द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं दे आर फॉर्मड बाय 4 स्फेयर्स। सो आई एम जस्ट कंटिन्यूएशन से आई एम जस्ट टेकिंग अ रीकैप ओवर हियर। वी टॉकिंग ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ वॉइड्स जिनको हम क्या बुला रहे हैं, दे आर नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो 4 स्फेयर से बनते हैं। सो वी हैव इन द फर्स्ट लेयर, दिस इज द अरेंजमेंट, और सेकेंड लेयर पे हम लोग इसको जब वॉइड को कवर कर देते हैं तो ये वॉइड खत्म नहीं हो जाता, हम सिर्फ इसको कवर कर रहे हैं, पर अगर हम लोग देखते हैं तो 3 डायमेंशनल स्पेस में ये वॉइड वहीं पे रहता है। ओके, सो इस वॉइड को हम क्या बुला रहे हैं, दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। अब किसी भी एक, अगर हम लोग पार्टिकल लें, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल लें, या हम स्फेयर्स लें, हम लोग स्फेयर को एज कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स यहाँ पे दे रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि फॉर एवरी 1 स्फेयर देर आर गोइंग टू बी 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। सो वी टेकिंग 1 स्फेयर, फॉर 1 स्फेयर देर आर गोइंग टू बी 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास n नंबर ऑफ स्फेयर्स है एक किसी भी क्लोज पैकिंग में, तो n नंबर ऑफ स्फेयर्स के लिए हमारे पास कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे, दे आर गोइंग टू बी 2n, ठीक है। एंड इफ यू आर टॉकिंग ऑफ 1 मोल ऑफ स्फेयर्स विच आर प्रेजेंट, सो 1 मोल ऑफ स्फेयर्स के लिए हमारे पास नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स दे आर गोइंग टू बी 2 × 6.02 × 10⁻²23 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ वॉइड्स जो हमारे पास आते हैं दे आर नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। नाउ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दे आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड बाय 6 स्फेयर्स। सो इफ वी हैव 3 स्फेयर्स, ठीक है, और इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेयर जब लगाते हैं तो हम देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड आप देखो वो बनेगा बाय 6 स्फेयर्स, राइट। सो इफ यू लुकिंग एट दिस ओवर हियर, ऑल्दो दिस इज नॉट वेरी सिमेट्रिकल, बट फिर भी आपको नजर आती है इसकी शेप, दिस इज गोइंग टू बी द शेप, ओके। तो इसको मैं शेप को अलग से ड्रॉ कर रही हूं, हमारे पास एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल की शेप आ जाती है, क्लियर। Now this octahedral voids when we talking of, we say that for 1 sphere there is going to be only 1 octahedral void. There is going to be only 1 octahedral void, ठीक है। And then for n spheres, how many octahedral voids will be present? They are going to be n octahedral voids. अगर 1 के लिए 1 तो n के लिए n, ठीक है। और 1 mole में कितने octahedral voids present होंगे? 1 into 6.02 into 10 raised to power 23 octahedral voids, right? So if you're talking of any arrangement, it will have both tetrahedral and octahedral voids, okay? दोनों तरह के voids बनते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने हो गए? 2 + 1 = 3 for 1 sphere. सो 1 sphere के लिए हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट? 3, ठीक है। और उसी तरह से अगर हमारे पास n नंबर ऑफ स्फेयर्स हैं, तो n नंबर ऑफ स्फेयर्स के लिए कितने हमारे पास बन जाएंगे? 2n plus n, which is going to be equal to 3n total number of voids which are present. Okay. Now over here, let's understand कि size जो है वो tetrahedral voids का और octahedral voids का हम किस तरह से determine करते हैं, okay? So let's go on to the determination of sizes of tetrahedral and octahedral voids.
Think of sizes of tetrahedral and octahedral voids. So we know that whenever we are having a closed packed arrangement in three dimensions, the whole arrangement can be either CCP, cubic closed packed. ठीक है, जो कि हमने कह रहा था कि जब टू डायमेंशंस में हमारे पास दो तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं, वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, अदर वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो है वो बनाता है क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक पैकिंग जिसका यूनिट सेल दैट इज गोइंग टू बी प्रिमिटिव. ठीक है, और जो हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशंस है वो फर्दर हमें टू स्ट्रक्चर्स देते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन से वॉइड्स को कवर कर रहे हैं. ठीक है, अगर हम लोग क्या बोलते हैं उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं तो हमारे पास एचसीपी अरेंजमेंट बनता है. नहीं सॉरी, अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं तो हमारे पास एचसीपी अरेंजमेंट बनता है, और अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं तो हमारे पास सीसीपी अरेंजमेंट बनता है. तो थ्री डायमेंशन में हमारे पास दो तरह के अरेंजमेंट आ गए, वन विच इज नोन एज क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड द अदर वन विच इज गोइंग टू बी नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. सो लेट्स जस्ट find out the relationship between radius of octahedral void and radius of atoms. Constituent particles are atoms, और वो जो atoms हैं, they are going to be spherical. When we are talking of octahedral voids, we know that the octahedral voids that is formed of six spheres. But two dimensions में हम सिर्फ four spheres जो हैं, उसको show कर सकते हैं, and the arrangement of these four spheres that is going to be like this. ठीक है, सिक्स स्फेयर्स नहीं शो कर सकते, फोर ही शो कर सकते. तो ये जो वॉइड यहां पे बना, दिस इज गोइंग टू बी ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ठीक है, अब इस वॉइड के अंदर हम लोग कोई और एटम को इंसर्ट कर रहे हैं, वो एटम भी क्या होगा, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी स्फेरिकल इन नेचर. क्लियर, नाउ लेट्स जॉइन द सेंटर्स ऑफ ऑल दीज फोर स्फेयर्स. So you will see that we get a square over here. Clear? Let's just name it as this is A, this is B, this is C, and this is going to be D. Okay? Now, जब हमने nearest neighbor distance find करते थे, तो हम लोग एक diagonal draw करते थे यहाँ पे. So let's draw a diagonal like this. ये हमने diagonal draw कर दिया. Let's say that the radius of the bigger sphere, that is R, capital R, ठीक है? उसी तरह से ये वाला radius क्या हो जाएगा? This is also capital R, okay? And the radius of the small sphere, that is small r. So अगर हम ये पूरा diameter consider कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा? This will become equal to 2R. ठीक है, सच दैट अगर हम यहां पे एसी देखें तो एसी हमारे पास क्या हो गया, एसी दैट इज गोइंग टू बी आर प्लस टू आर प्लस आर. ठीक है ना, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टू आर प्लस टू आर, दिस इज गोइंग टू बी एसी. ठीक है, नाउ दिस इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सो This is going to be the edge length. आप स्क्वायर आप देख लो इसको, इस तरह से अगर हम क्यूब को ऐसे ड्रॉ करें, so ये क्या बना रहा है, this is forming the edge length. Let's say that the edge length over here that is going to be equal to a.
because it is cubic close packing, सारे के सारे edges same होंगे, ठीक है? So हम लोग अगर AB ले रहे हैं, AB that is going to be equal to BC is equal to A, ठीक है? Now by taking the measurements of AB and BC, we have another method to calculate AC. If you taking over here triangle ABC, then according to Pythagoras theorem, AC square that is going to be equal to BC square plus AB square. है ना? So हमारे पास BC square क्या आ गया? BC square is going to be A square plus AB square is also going to be A square. So this is going to be 2A square. So what is AC now? AC is under root of 2 into A. At the same time, हमने AC यहाँ पे देखा, which is going to be equal to 2R plus 2R, right? So first now we have two different things for AC, okay? और AB हमारा क्या है? AB is going to be equal to A. Now let's take the ratio of AC and AB. Taking ratio of AC to AB. इसकी और इसकी रेशो हम ले रहे हैं डिराइव करने के लिए, ठीक है? AC upon AB. What is the this thing of AC? AC upon AB that is equal to, according to this, AC is equal to under root of 2 into A. And what is AB over here? That is going to be equal to A. ठीक है? So AC upon AB that becomes equal to under root of 2 into A upon A, which may also be written as A or A cancel हो गया. We have under root of 2 upon 1. ठीक है? So the formula of AC to AB that becomes equal to under root of 2 upon 1. Right? Now over here, if you're taking AB, AB क्या है? This is R and this is also R. So AB is equal to 2R. ठीक है? So हम बोल रहे हैं another formula for AB that can be 2R. Now let's take the ratio of AC to AB again. AC over here is 2R plus 2R upon 2R. ठीक है? Now इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे? This can be written as 2 common ले लेते हैं हम, 1 upon R upon R. 2 हमने common लेके काट दिया, ठीक है? So 1 upon R plus R. And also AC upon AB that is equal to under root of 2 by 1. Okay. So 1 plus R upon R that can be taken as what? Under root of 2. Now what is going to be the ratio of R to R? R to R ki ratio ho gai. R upon R that is equal to under root of 2 minus 1. Value of under root of 2 is 1.414 minus 1. So that is going to be equal to 0.41. Clear? So jo ratio hoti hai of the octahedral void. This is the radius of the octahedral void, not the small r which we have taken, and the atom that is going to be 0.414 is to 1. Iska matlab kya hua? Ki koi bhi ek atom jiska size 0.414 hai, wo easily octahedral void ke andar fit ho sakta hai. Samajh aa gaya? So, जिसका भी radius जो है या जिसका भी size जो है 0.414 है, that means अब इसको और अगर आप simplify करना चाहो, तो ये आ जाएगा R is equal to 0.414 into R. Clear? So, ये एक derivation HP board में आ सकती है. ये हमारी miss हो गई थी, so I have done it now. Is it clear?
Alright, then next we now go on to relationship between radius of the tetrahedral void and the radius of the atom. ये octahedral void का हमने किया है. Let's go further. Relationship between radius of tetrahedral void and radius of the atom. Now, in order to think about a tetrahedral void, it is seen to form a tetrahedral void. The constituent particles, they are going to be present at alternate corners. Alternate corners का मतलब कि अगर यहाँ पे है एक तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है? Alternate corners, फिर यहाँ पे होगा, right? अब अगर sorry, कट ड्रॉ करा मैंने, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, right? फिर यहाँ पे नहीं है, तो we are going to have one over here. So you can see जब आप इसको join करते हो this is going to form a regular kind of a tetrahedron. Got it? Now in this case, the let's say कि इसमें ये सारे के सारे जो spheres हैं ये सारे एक दूसरे को touch कर रहे हैं. But we cannot show it in two dimensions. It's very difficult. So you have to assume कि ये सारे एक दूसरे को touch कर रहे हैं. तो आप देखो जब ये सारे एक दूसरे को touch करेंगे, तो there is going to be a void which will be formed over here. In the body diagonal. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि बॉडी डायगनल क्या होता है, जो बॉडी के बीच में से निकलेगा दैट इज गोइंग टू बी द बॉडी डायगनल. ओके, सो वी ऑलरेडी सेड ओवर हियर दैट दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड लेट्स से दैट दिस इज गोइंग टू बी डी. अब हमने दिस इज द टेट्राहेड्रल वॉइड जो कि इसमें बन रहा है. So again, इसका जो साइज होगा दैट इज गोइंग टू बी आर. इसका साइज हो गया 2r, स्मॉल r, राइट? तो इसका डायमीटर इज गोइंग टू बी 2r, इसका रेडियस r, इसका डायमीटर दैट इज गोइंग टू बी 2r. एंड देन वी हैव ओवर हियर देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल व्हिच यू कैन सी ओवर हियर. इज इट क्लियर? सो इस तरह से हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते हैं. सो लेट्स सी ओवर हियर अगेन वी आर गोइंग टू फाइंड AC व्हिच वी हैव ऑलरेडी फाउंड which is going to be under root of 2 into A. ठीक है? And AC is also equal to what? This R plus this R. Both are capital R's. So we say that AC that is equal to R plus R. दोनों AC हो गए. ठीक है? और R plus R that will be equal to what? 2R. Got it? Now over here 2R that can be written as what? Under root of 2 into A. AC is equal to AC. So, ye aa gaya under root of 2 into A. So, what is going to be the value of R over here? R aa jayega aapka under root of 2 upon 2 into A. Yes, ma'am. ठीक है? So, this is the value of R which we have got. Now, let's go on to the body diagonal. Ab hum log triangle le rahe ADC. So, AD square that is equal to AC square plus CD square. ठीक है? The value of AC square is 2A plus CD square is A square square. So this becomes equal to 3A square. And the value of AD that is going to be equal to under root of 3 into A. है ना? Also AD की जब आप value find करोगे तो what is the value of AD? यहाँ पे कोई भी constant particle present नहीं, so R plus 2R है ना? That is going to be the value of AD over here. So AD that will be taken as what? It will be taken as R plus, अच्छा void हमने find करना है, R plus R, नहीं R plus R, हाँ. So that is going to be equal to what? Distance half we are finding, na?
So that is why we have to only take up till here. So R plus R, which is the half of AB, which is going to be equal to what? Under root of 3 by 2 into A. Half le liya humne AB by 2. So R plus R, that is going to be equal to under root of 3 by 2 into A. ठीक है? अब हमारे पास ये दो चीजें आ गई. ओके अब इसमें अब हमने क्या करना है, हमारे पास AC भी है और हमारे पास AD भी है, तो हमने इन दोनों का रेशियो ले लेना है. राइट, रेशियो अगर हम लोग लेते हैं, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन 2, दो इक्वेशंस हमने बनाई थी. ठीक है, टेकिंग द रेशियोस डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. So, अगर हम equation 2 को equation 1 से divide कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा? R plus R, 1 आ गया, R, under root of 3 by 2 into A, इसका reciprocal ले लेते हैं, क्योंकि हम divide कर रहे हैं, into A, ठीक है जी? और A कट गया, 2 और 2 कट गया, क्या बच गया? Under root of 3 by under root of 2. So R plus R upon R, that is equal to this. Under root of 3 by under root of 2. Now R plus R by R, that can be written as what? It can be written as 1 plus R upon R. Exactly. Because R common hai, numerator mein bhi denominator mein. So 1 plus R upon R. This is going to be equal to under root of 3 by 2. 1 ko us side le jaate hai. So R by R, that is going to be equal to under root of 3 by under root of 2 minus 1. Yes. Y udhar chala gaya. So that becomes equal to minus 1. Right? So, अगर इसको लेते हैं हम, so when we calculate this, ये हमारे पास under root of 3 की वैल्यू आ जाती है 1.732 upon 1.414 minus 1. ठीक है? So when you solve this, this comes to 0.225. Therefore, R will be equal to, small r will be equal to 0.225 big R. Okay, तो अगर tetrahedral void के अंदर किसी भी एक atom को हमको fit करना है, तो उसकी size क्या होनी चाहिए? 0.225 minimum. Is it understood by all of you? Okay, फिर इसमें हम लोग बोलते हैं कि एक और चीज जो हमें यहाँ पे दिख रही है, it is seen that tetrahedral void is 0.225 big R. और जो octahedral void था, that was 0.414 big R. तो which is going to be smaller? Tetrahedral की octahedral? Tetrahedral is much smaller than. ठीक है? समझ आ गया है अंदर? Okay. फिर इसी से pertaining हम लोग next topic पे चलते हैं, which is known as the radius ratio. And by radius ratio. Radius ratio जो होता है, that is the radius, that is the ratio of the size of the cation to the size of the anion. ठीक है? Radius ratio is the ratio of the size of the cation to the size of the anion. इसकी application क्या रहती है? कि by calculating the radius ratio, हम लोग coordination number किसी भी एक crystal का predict कर सकते हैं और हम उसकी geometry और shape भी predict कर सकते हैं. Okay? Now over here, when we looking at the radius ratio, इस radius ratio की X-ray crystallography studies के accordingly different ranges दे दी जाती है. उस ranges में अगर radius ratio fit होता है,
तो उसके ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन नंबर्स कैलकुलेट कर चुके हैं, उसकी ऑलरेडी शेप कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट आर द रेंजेस। ओवर हियर वी आर टेकिंग रेडियस रेशियो, देन अकॉर्डिंग टू द रेडियस रेशियो पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है, पॉसिबल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, राइट, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू एग्जांपल्स ओवर हियर। ऑलराइट, सो लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट रेंज। फर्स्ट रेंज जो है रेडियस रेशियो की, दैट इज 0.155 टू 0.225। अब इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि वो आपको रेडियस दे देंगे कैटायन और एनायन का और बोलेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करो, तो उसके लिए आपको पहले रेडियस रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, रेंज आपको याद होना चाहिए, उसी के बेसिस पे आप कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे 0.155 टू 0.225 आ गया। इसके लिए पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3। वी ऑलरेडी नो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, साइमल्टेनियसली कितने स्क्वायर्स एक सेंट्रल स्क्वायर को टच करते हैं उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर बुलाते हैं, ठीक है। और जो पॉसिबल इसका स्ट्रक्चर हो सकता है दैट इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल प्लैनर, ओके। और एग्जांपल इसका ले सकते हैं हम B2O3, B2O3 दैट इज गोइंग टू बी द एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 0.225 to 0.414। ओवर हियर द पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज गोइंग टू बी 4। द स्ट्रक्चर विच वी हैव दैट इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल, ठीक है। और एग्जाम्पल जो इसका होगा दैट इज ZNS, CuCl, CuBr, these are few examples, ठीक है। उसके अलावा बेरियम सल्फाइड और मर्क्यूरियम सल्फाइड, HGS और BASPC के examples है। नेक्स्ट जो हमारे पास रेंज आती है दैट इज 0.414 to 0.732। द कोऑर्डिनेशन नंबर ओवर हियर इज गोइंग टू बी 6 एंड द ज्योमेट्री दैट इज गोइंग टू बी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और एग्जांपल्स ऑफ इसके सबसे कॉमन एग्जांपल NaCl, तो जहां पे भी लिखा होगा रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर उसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ओके। और एग्जांपल आप ले सकते हो MgO, सोडियम ब्रोमाइड NaBr। फिर अगर रेंज इज बिटवीन 0.732 to 1 देन द कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 8, राइट। एंड द पॉसिबल स्ट्रक्चर इज क्यूबिक, एग्जाम्पल जो हम ले सकते हैं दैट इज गोइंग टू बी सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड एटसेट्रा। Now one thing if you haven't noticed, कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि the radius ratio is always coming less than 1. Why is it coming less than 1? Because the size of the cation is always smaller than the size of the anion. तो ये हमेशा radius ratio less than 1 ही आएगी. Got it? अब ये जो हमने tetrahedral octahedral voids करे और उसके साथ हमने radius ratio करा, तो उससे हम लोग फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ओके। कंपाउंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड, ठीक है। Now when we talking of voids,
हमारे पास दो तरह के voids हमने ले लिया, one is tetrahedral and octahedral, okay? और आपने जब sizes भी देखे तो उसमें आपने देखा कि जो atom का size होता है वो हमेशा बड़ा होता है और void का size हमेशा छोटा रहेगा, okay? जो atoms होते हैं या कोई भी अगर हम एक crystal ले रहे हैं, let's say कि हमने एक crystal ले लिया of the type AB, हमेशा आपको पता है कि cation को हम पहले रखते हैं, anion को हम बाद में रखते हैं। ये भी हमें पता है कि साइज जो एनायन का होता है वो बड़ा होता है और केटायन का साइज छोटा होता है, ठीक है? सो हम बोलते हैं कि जितने भी एनायंस होंगे वो एनायन सारे लैटिस पॉइंट्स को ऑक्यूपाई करते हैं। लैटिस पॉइंट्स कौन से हो गए, याद करो, यूनिट सेल में कॉर्नर्स आर गोइंग टू बी द लैटिस पॉइंट्स, फेस सेंटर में सारे कॉर्नर्स और ऑल द फेसेस। So, जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं उन्हें हम लैटिस पॉइंट्स बुलाते हैं, और एनायंस का साइज क्योंकि बड़ा है तो इसलिए वो सारे लैटिस पॉइंट्स को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है? जो केटायंस होते हैं उनका साइज छोटा रहता है, सो केटायंस दे आर गोइंग टू ऑक्यूपाई ऑल द पॉइंट्स, राइट? Now let's take different conditions over here. When we're talking of one example, we're taking an example of copper. ठीक है? अब जो copper is a face center, has a face centered cubic structure, FCC, which means that copper that is going to be present at all the corners plus at the center of each face. ठीक है ना, कॉपर जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बनाएगा, इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू बी व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर, हम लोग सपोज जब हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर्स रहते हैं, वन व्हिच इज गोइंग टू बी हमने अभी करा सीसीपी एंड द अदर वन दैट इज गोइंग टू बी एचसीपी, ठीक है? दो तरह के हमारे पास क्रिस्टल लैटिस है। नाउ लार्जर आयंस दे आर गोइंग टू अडॉप्ट और दे आर गोइंग टू टेक all the lattice points, whether it is FCC, CCP structure or it is going to be HCP. I have already discussed this. Okay? So all the anions are going to occupy all the lattice sites, whether we are taking CCP arrangement or HCP arrangement. And whatever cations will be, they are going to occupy all the voids. Okay? Now over here, there are two types of voids, one which is going to be the tetrahedral voids and the other one that is going to be the octahedral voids, right? Now, आपको ये भी पता है कि जो tetrahedral voids होते हैं वो एक atom के लिए कितने हैं, दो, है ना? और octahedral voids एक atom के लिए कितने हैं, एक. So, अगर हम लोग एक compound ले रहे हैं of the type A positive and B negative, let's say that we are taking a compound of this type. So over here, A jo hoga, that is going to occupy all the octahedral voids only. Why? Because jitne number of lattice points honge, utne hi octahedral voids honge. Ab AB mein aap dekhte ho ki number of ions of A, they are equal to number of ions of B. So AB mein B is going to occupy all lattice points and A positive will occupy all the octahedral voids, right? Now when we're talking of tetrahedral voids, there are going to be two tetrahedral voids. अच्छा एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हो, सोडियम क्लोराइड, राइट? सो सोडियम क्लोराइड में सोडियम जो है वो सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा। नाउ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है दे आर गोइंग टू बी टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो अगर सपोज हम लोग एक कंपाउंड ले रहे हैं ए बी, अगेन वी आर टेकिंग ए बी, अगर बी जो है वो सारे के सारे लैटिस पॉइंट्स को ऑक्यूपाई करेगा तो ए कितना है, सेम एज बी, बट यहां पे हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स कर रहे हैं तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई होंगे, हाफ, ठीक है? सो इन दिस केस बी नेगेटिव विल ऑक्यूपाई
ऑल लैटिस पॉइंट्स एंड ए पॉजिटिव विल ऑक्यूपाई वन हाफ ऑफ tetrahedral voids. Only half of the tetrahedral voids they are going to be occupied over here. An example which you can take over here is that of zinc sulfide, ZnS. So ZnS mein sulfide jo hai wo sare lattice points occupy karega aur zinc jo hai wo aadhe tetrahedral voids occupy karega. Samajh aa gaya? So this is known as ZnS type of structures. Now, यहाँ पे हमारे पास दो और फॉर्मूला आ सकते हैं. Let's see what are these formulas. For example, हम लोग बोल रहे हैं कि अब हमारे पास है कंपाउंड ऑफ द टाइप ए बी टू. एक ए के साथ टू फ्लोराइड्स टू एनायंस आर गोइंग टू बी प्रेजेंट. सो इन केस ऑफ ए बी टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि ए पॉजिटिव चाहे वो छोटे हैं साइज में even then A positive they are going to occupy all the lattice points. ठीक है. और जो B negative है दो है ना for एक atom. A A के पीछे दो negative anions है. So B they will occupy all the tetrahedral voids. Clear हो गया? So अगर B सारे tetrahedral voids occupy कर रहा है और A सारे सारे lattice points occupy कर रहा है, तो इस structure को हम क्या बुलाते हैं? This is known as fluoride structure. ठीक है? This structure is known as fluoride structure. An example which we can take over here is that of calcium fluoride. Right? The second type, the fourth type of compounds are bolo. Hum lete hain A to B. A to B type of compounds. Now over here, B is going to occupy all lattice points. ठीक है. सो आप क्या देख रहे हो, फॉर एवरी बी देर आर गोइंग टू बी टू एज. राइट. सो ए क्या करेगा, ए विल ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल पॉइंट्स. ठीक है. सो ए पॉजिटिव विल ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल पॉइंट्स. This structure, this is known as anti-fluoride structure. This is known as anti-fluoride structure. An example of anti-fluoride structure which you can take is that of sodium oxide. ठीक है? आ गया समझ सबको? सो हमने सारे स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं, एक टेबल लेते हैं जिसमें हम सारा कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो कुछ भी हमने किया. ऑलराइट. सो वी हैव फर्स्ट कंपाउंड व्हिच वी आर टेकिंग ओवर हियर इज NaCl, सोडियम क्लोराइड. राइट. डिस्क्रिप्शन अगर हम इसकी लें तो इसमें क्लोराइड आयंस दे आर गोइंग टू ऑक्यूपाई ऑल द लैटिस पॉइंट्स. ठीक है. एंड सोडियम दैट इज गोइंग टू ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल साइंस. समझ में आ गया ना ये कैसे आया? ए बी. सो यहाँ पे क्लोराइड सीसीपी अरेंजमेंट इसका रहता है, स्पेस सेंटर्ड क्यूबिक. सो क्लोराइड इज गोइंग टू ऑक्यूपाई ऑल द सीसीपी लैटिस पॉइंट्स, और साइंस भी बुलाते हैं हम इसको. एंड सोडियम पॉजिटिव विल ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टा हेड्रल पॉइंट्स. ठीक है. अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होएगा इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव इज 6, व्हिच मींस ईच सोडियम दैट इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड्स. ठीक है. सिमिलरली
coordination of all Cl, that is going to be 6, which means all chlorides, they are surrounded by 6 sodiums. ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो हम लोग ले सकते हैं, अदर एग्जाम्पल्स मे बी लिथियम शोस दिस काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट, सोडियम, पोटेशियम. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है हैलाइड्स लाइक AgCl, AgBr, MgO. So, ये वाले अरेंजमेंट को शो करते हैं. द सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच वी डिस्कस्ड इज ZnS, विच इज ऑल्सो नोन एज जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर. ठीक है, ये जो है इसमें S2 नेगेटिव दैट इज गोइंग टू ऑक्यूपाई ऑल द CCP साइट्स. ठीक है, एंड जिंक इज गोइंग टू ऑक्यूपाई 1/2 ऑफ टेट्राहेड्रल साइट्स. सारे टेट्राहेड्रल साइट्स में जिंक 2 पॉजिटिव दैट इज गोइंग टू ऑक्यूपाई 1/2 ऑफ ऑल्टरनेट पोजिशन वाले जो टेट्राहेड्रल साइट्स होते हैं, वॉइड्स, सॉरी नॉट साइट्स, वॉइड्स ऑक्यूपाई करेंगे. ओके, नाउ ओवर हियर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोथ इज गोइंग टू बी 4. सो Zn2 पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड S2 नेगेटिव का भी कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज 4. ठीक है, अनदर एग्जांपल्स व्हिच वी कैन टेक ओवर हियर इज दैट ऑफ BeS, बेरिलियम सल्फाइड, CuCl, CuBr, CuI. ठीक है, सो दीज आर गोइंग टू बी द एग्जांपल्स. द नेक्स्ट व्हिच वी हैव डिस्कस्ड is calcium fluoride. Over here Ca2 positive that occupies all the CCP sites, right? और इसको हमने क्या बुलाया था, this is known as a fluoride structure. ठीक है, और जो F है that is going to occupy all the tetrahedral voids. ठीक है, coordination number इसमें Ca2 positive का रहता है 8 और F negative का 4. So हर एक Ca2 positive that is surrounded by 4 fluoride and each fluoride is surrounded by 4 Ca2 positive. This structure is known as fluoride structure. Examples which you can take other than CaF2 is BaF2 and SrF2. ठीक है, then the last one which we did was the empty fluoride structure Na2O, where oxygen is going to occupy all the CCP sites. ठीक है ना, और sodium that is going to occupy all the tetrahedral voids, right? All the tetrahedral voids. Now over here the coordination number of Na positive that is going to be 4 and that of oxygen is going to be 8. Which means each sodium is surrounded by 8 oxygens and each oxygen is surrounded by 4 sodiums. ठीक है, another example which you can take over here is that of lithium oxide and K2S. Got it? Okay, अब इसमें से formula based questions आपको आ सकते हैं, so I'm just going to tell you one question over here. One question we have is that a solid is made up of two elements P and Q. ठीक है, एक solid है उसके पास दो elements है P and Q. Atoms Q are in the CCP arrangement, right? So सारे lattice points जो है CCP के वो Q occupy कर रहा है, while atoms P occupy all the tetrahedral sites. सारे tetrahedral sites P occupy कर रहा है. What is the formula of the compound? Right? So over here, अगर O जो है
सॉरी क्यू जो है वो सारे सीसीपी शो कर रहा है तो दैट मींस इट इज गोइंग टू बी एन एनायन राइट. सो क्यू आ गया एस क्यू और पी ऑक्यूपाई कर रहा है सारे टेट्राहेड्रल. सो फॉर वन क्यू देयर इज गोइंग टू बी हाउ मेनी पीस टू पीस राइट. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द फार्मूला P2Q. ओके इस तरह से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. एक क्वेश्चन और है देखो यहाँ पे. The question is atoms of element B form HCP lattice, right? So B क्या हो गया? HCP lattice बना रहा है. B will be B, ठीक है? फिर उसके बाद A occupy 2/3 of tetrahedral voids. आपको पता है कि tetrahedral voids कितने होते हैं? 2, ठीक है? So वो कह रहे हैं कि वो occupy कर रहा है 2/3 of tetrahedral voids. Right? So what is going to be the formula? A 4 by 3B. 2 2's are 4 हो गया ना. 2 2's are 4 by 3B. अब इसको आपको whole number में अगर करना है, तो हम इसको denominator को remove करने के लिए, इसको भी 3 से multiply कर देंगे, और इसको भी 3 से multiply कर देंगे. 3 और 3 कट गया, है ना? So formula हमारे पास क्या रह गया? A 4 B 3. This is going to be the formula. So इस तरह से आप formula जो है, ये बार बार मार के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, तो इस तरह से आप फॉर्मूला को मैनिपुलेट कर सकते हो. गॉट इट? सो दिस इज व्हाट वी हैव ओवर हियर, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स.